फ्रेंड्स, जमशेद इंग्लिश जोन की तरफ से मैं मोहम्मद जमशेद। आज मैं आपको ऑट टू हैव प्लस वर्ब थ्री के यूज के बारे में बताऊंगा। हम ऑट टू हैव प्लस वर्ब थ्री का यूज तब करते हैं जब पास्ट टाइम में कोई जरूरी, सही, फर्ज या जिम्मेदारी का काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, यानी सही काम ना होकर गलत काम हो गया। जैसे He ought to have stopped at the traffic light. उसे ट्रैफिक लाइट पे रुक जाना चाहिए था। और टू हैव प्लस वर्ब थ्री का इस्तेमाल उन चीजों के बारे में अंदाजा लगाने या नतीजा निकालने के लिए भी किया जाता है जिसके हुए होने का पक्के तौर पर पता ना चले। जैसे He ought to have returned home yesterday. उसे कल का घर वापस आया हुआ होना चाहिए था, क्या उसे किसी ने देखा है? ought to have plus verb 3 के कुछ और एग्जांपल्स हैं। I ought to have told him straight away. मुझे उसे सीधे बता देना चाहिए था। You ought not to have ordered so much food. आपको इतने सारे खाने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। I ought to have done it for mise-en-scène's sake. मुझे मिजान के लिए यह करना चाहिए था। You ought to have told her that the paint on that chair was wet. तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि उस कुर्सी पर पेंट गीला था। I ought to have taken a much closer interest in that job. मुझे उस नौकरी में बहुत करीबी दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। She ought to have shown some maturity. उसे थोड़ा बड़ों जैसा जिम्मेदार दिखाई देना चाहिए था। The government ought to have taken immediate action to stop the violence. हिंसा को रोकने के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। You ought not to have taken the mobile without asking. तुम्हें बिना पूछे मोबाइल नहीं लेना चाहिए था। I ought to have returned your money yesterday, but I forgot. कल मुझे आपका पैसा वापस करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया। They ought to have known that there had been a mistake. उन्हें जानना चाहिए था कि एक गलती हुई थी।